हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स, द टर्म प्लास्टिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड प्लास्टिकॉस, फॉर्म्ड आर मोल्डेड। ठीक है, तो प्लास्टिड टर्म जो है वह ग्रीक वर्ड प्लास्टिकॉस से डिवाइड किया गया है। ई हैकेल गेव द टर्म प्लास्टिड, ई हैकेल के द्वारा प्लास्टिड टर्म यूज किया गया है। प्लास्टिड आर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, प्लास्टिड जो है वह लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है। पिछले वीडियो में हमने माइटोकांड्रिया के बारे में आपको बताया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्लास्टिड के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि प्लास्टिड जो है वह ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से बना है, प्लास्टिकोस से, और प्लास्टिड टर्म जो है वह ई हैकेल के द्वारा यूज किया गया था। प्लास्टिड आर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, प्लास्टिड जो है वह लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। तो सेल ऑर्गेनेल में सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनेल होता है उसे क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स कहते हैं। दीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो प्लास्टिड्स जो हैं वे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में और स्टोरेज ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स में इन्वॉल्व होता है। तो प्लास्टिड्स जो हैं वे इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके फॉर्मेशन एंड स्टोरेज में प्लास्टिड्स का इम्पॉर्टेंस होता है। सिंपल डिवाइडेड प्लास्टिड इंटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स। ठीक है, तो सिंपर ने प्लास्टिड्स को थ्री टाइप में डिवाइड किया था। वह डिवाइड का जो बेस है वह है कि उनमें कौन सा पिगमेंट उपस्थित है। ठीक है, तो पिगमेंट के ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट सिंपर डिवाइडेड प्लास्टिड इंटू थ्री टाइप्स, सिंपर डिवाइडेड प्लास्टिड इंटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस आर अब्सेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट। ठीक है, तो प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पे कौन सा पिगमेंट उपस्थित है कौन सा नहीं है, इस बेस पे प्लास्टिड को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। पहले को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। तो पहला आ जाए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मीन्स क्लोरो, क्लोरो मीन्स ग्रीन, प्लास्ट मीन्स लिविंग। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट टर्म है उसमें क्लोरोस का मतलब ग्रीन है और प्लास्ट का लिविंग। दीज आर ग्रीन प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन प्लास्टिड्स कहा जाता है। सेकेंड इज ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोस मीन्स व्हाइट, अ प्लास्ट मीन्स लिविंग। दीज आर कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है, यह कैसा है, कलरलेस प्लास्टिड होता है। ठीक है, तो यह आपका कलरलेस प्लास्टिड्स है, फाउंड इन स्टोरेज ऑर्गन अवे फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है जिसे कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं और यह स्टोरेज ऑर्गन के रूप में वर्क करता है और सनलाइट्स जहाँ पर नहीं पहुँचती है, ठीक है, वहाँ से दूर यह स्टोरेज ऑर्गन के रूप में वर्क करता है, दैट इज अंडरग्राउंड रूट्स एंड स्टेम्स। ठीक है, तो जो अंडरग्राउंड रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है जो स्टोरेज ऑर्गन के रूप में काम करता है। तीसरा है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स होता है कलर और प्लास्ट मीन्स लिविंग। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा कलर और प्लास्ट मीन्स लिविंग। दीज प्लास्टिड आर वेरियसली कलर्ड, ठीक है, तो यह प्लास्टिड जो हैं वह अलग अलग कलर के होते हैं, दैट इज फ्लावर्स, बीट एंड रूट्स। ठीक है, जो कि फ्लावर्स में, बीट एंड रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि सिंपर ने पिगमेंट्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, ठीक है, प्लास्टिड को थ्री टाइप में डिवाइड किया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो आइए पहले प्लास्टिड के बारे में विस्तृत पढ़ते हैं। तो पहला प्लास्टिड है आपका क्लोरोप्लास्ट के बारे में। सिंपर गेव द टर्म क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सिंपर ने क्लोरोप्लास्ट टर्म दिया था। मॉर्फोलॉजी देखते हैं, शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है, शेप है, साइज है, वह स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती रहती है।
ठीक है, वह बदलती रहती है। शेप में भी, ठीक है, शेप जो है कप शेप्ड, कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है किसमें, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास में। गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट यूलोथ्रिक्स में। स्टार शेप्ड आर सेटल, ठीक है, स्टेलाइट टाइप पाया जाता है जिग्निमा में। स्पाइरल शेप्ड या इसे स्कलरीफॉर्म कहते हैं, यह पाया जाता है स्पायरोगोरा में। रेटिकुलेट आर नेट लाइक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्लेडोफोरा ओडोगोनियम। एंड डिस्क्वाइड शेप जो है पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट वाउचेरिया में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी, शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। ठीक है, शेप, साइज और नंबर जो हैं क्लोरोप्लास्ट के, वे स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं। शेप में आप देख रहे हैं कि कप शेप, गर्डल शेप, स्टार शेप, स्पाइरल शेप, रेटिकुलेट शेप, डिस्क्वाइड शेप्स के एक क्लोरोप्लास्ट हैं जो अलग अलग स्पीसीज में पाए जाते हैं। कप शेप के क्लोरोप्लास्ट जो हैं क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, जबकि गर्डल शेप के क्लोरोप्लास्ट जो है यूलोथ्रिक्स में। स्टार शेप या फिर स्टेलेट टाइप के क्लोरोप्लास्ट जिग्निमा में पाए जाते हैं, जबकि स्पाइरल शेप, स्क्लेरिफॉर्म शेप जो है वह स्पायरोगैरा में। रेटिकुलेट या नेट लाइक क्लोरोप्लास्ट जो है क्लेडोफोरा और ओडोगोनियम पे पाए जाते हैं। डिस्क्वाइड शेप क्लोरोप्लास्ट जो है वाउचेरिया में पाया जाता है। इन हायर प्लांट क्लोरोप्लास्ट में भी वाइड स्फेराइड आर डिस्क शेप्ड, बट मोस्टली दे आर लेंस शेप्ड। ठीक है, तो हायर प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वे ओवाइड शेप के हो सकते हैं, स्फेराइड हो सकते हैं या फिर डिस्क शेप के हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली दे आर लेंस शेप्ड, अधिकांश में यह लेंस शेप्ड के होते हैं। साइज, ठीक है, ये तो शेप के बारे में था, अब साइज के बारे में देखते हैं। जनरली द साइज रेंज बिटवीन 4 माइक्रॉन टू 8 माइक्रॉन। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट की जो साइज होती है वह जनरली रूप में 4 माइक्रॉन से लेकर 8 माइक्रॉन तक होती है। ठीक है, साइज प्रोपोर्शनल टू प्लॉयडी लेवल, साइज जो है वह प्लॉयडी लेवल के प्रोपोर्शनल होती है। प्लॉयडी लेवल जितनी हाई होगी साइज भी उतनी हाई होगी, दैट इज इन पॉलीप्लॉयड साइज इज बिगर। अगर वह पॉलीप्लॉयड है तो उसमें साइज जो है क्लोरोप्लास्ट का बिगर होगा। इन सेड प्लांट, ठीक है, जो सेड प्लांट्स हैं क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर, उनमें क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। इन सेड प्लांट, ठीक है, सियोफाइट्स में क्लोरोप्लास्ट लार्जर होते हैं। इन लाइट प्लांट्स, ठीक है, जिन्हें हेलियोफाइट्स कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर। ठीक है, तो जो लाइट प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर होता है, जबकि जो सेड प्लांट्स हैं, छाया में वाले प्लांट्स हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट लार्जर होता है। ठीक है, तो यह था साइज के बारे में। साइज आपने देखा 4 माइक्रॉन टू 8 माइक्रॉन के बीच में होता है। अब आते हैं नंबर, क्लोरोप्लास्ट के नंबर के बारे में। द नंबर इज ऑल्सो वेरिएबल, क्लोरोप्लास्ट के नंबर जो हैं वह भी वेरिएबल्स हैं। सिंगल क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन सेल आर मैनी एल्गी। ठीक है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट जो हैं वह बहुत सारे एल्गी में पाए जाते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला। ठीक है, इनमें जो है सेल्स के अंदर जो है सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। टू क्लोरोप्लास्ट इन जिग्निमा, ठीक है, जिग्निमा में दो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। आगे देखें, 2 to 4, ठीक है, 2 to 14 इन स्पायरोगैरा, 2 से लेकर 14 तक क्लोरोप्लास्ट जो हैं वह स्पायरोगैरा में पाए जाते हैं। इन हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स हैं, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल हैव बीन रिपोर्टेड। ठीक है, तो हायर प्लांट में 20 से लेकर 40 तक क्लोरोप्लास्ट जो हैं पर सेल में रिपोर्टेड किए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। तो शेप, साइज एंड नंबर्स के बारे में आपने देख लिया है, अब आइए देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो आइए पहले कुछ अल्ट्रा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ा जाएगा। अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप क्लोरोप्लास्ट, यह फिगर देख रहे हैं, यह फिगर आपका क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, जिस तरह से माइटोकांड्रिया डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी डबल लेयर मेम्ब्रेन है, जिसमें आप देख रहे हैं यह आपका आउटर मेम्ब्रेन है और यह आपका इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट इज डबल लेयर मेम्ब्रेन,
यह आपका बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, यह आपका आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है उसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर के स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड्स भरा होता है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर के लिक्विड्स को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, इस स्ट्रोमा में राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो स्मॉल 70S टाइप्स होते हैं। ठीक है, राइबोसोम 70S टाइप्स होते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट डीएनए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए पाया जाता है। स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। स्टोर्स फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को स्टार, ठीक है, स्टोर्स के रूप में वर्क करते हैं स्टार ग्रेन्स, जो कि क्या है? फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, यह आपका ओस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक, अब इसमें देखें, यह सिक्के की ढेर की तरह संरचनाएं दिख रही हैं, इनको ग्रेनम कहा जाता है। ठीक है, यह सिक्के की ढेर की तरह की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इनको ग्रेनम कहा जाता है, ग्रेनम। अग्रेनम, ग्रेनम क्या होता है? थैलकॉइड स्टैक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए ग्रेनम कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, इसके एक पार्ट को थैलकॉइड कहा जाता है। देखें यहाँ पे, वन थैलकॉइड, सेकेंड थैलकॉइड, थर्ड थैलकॉइड। ठीक है, तो इस तरह से यह आपका थैलकॉइड है, सिंगल को थैलकॉइड कहेंगे और एक टोटल को कहना होगा तो ग्रेनम कहेंगे। तो ग्रेनम क्या होता है? थैलकॉइड स्टैक टुगेदर, थैलकॉइड जो है वह एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होकर ग्रेनम का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी में जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, दो ग्रेनम को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे स्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है। ठीक है, यह आप ग्रेनम देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रेनम है, इन दोनों को कनेक्शन करने वाला यह जो पार्ट है इसे स्ट्रोमा लैमेली या इंटरग्रेनम कहा जाता है। ठीक है, तो यह सारे स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं जो कि आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप क्लोरोप्लास्ट में दिखाई देता है। आइए इसके बारे में अब पढ़ा जाए। देखिए ध्यान से, अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप क्लोरोप्लास्ट, ईच क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय टू यूनिट मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय स्पेस कॉल्ड पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, तो प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट जो है वे दो यूनिट मेम्ब्रेन से, ठीक है, दो यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। इन मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस होता है जिसे पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहा जाता है। आउटर मेम्ब्रेन कंटेन्स इंटीग्रल प्रोटीन कॉल्ड प्रोटीन पोरिन्स। ठीक है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, उनके पास जो है प्रोटीन होता है जिसे पोरिन्स कहा जाता है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन कंटेन इंटीग्रल प्रोटीन, आउटर मेम्ब्रेन के पास इंटीग्रल प्रोटीन होता है जिसे पोरिन्स कहते हैं। दिस मेक, देखें ध्यान से, विच मेक द मेम्ब्रेन परमिएबल टू सॉल्यूट्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एज हाई एज 10,000 डाल्टन्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जिसे पोरिन्स कहता है, पोरिन्स कहा जाता है। और यह जो मेम्ब्रेन है यह सॉल्यूट्स को परमिएबल बनाता है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 10,000 डाल्टन से हाई होता है। ठीक है, द इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली इम्परमिएबल। ठीक है, तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है वह आउटर मेम्ब्रेन की तुलना में इम्परमिएबल होता है। एंड एड ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्टर इज टेकन बाई सब्सटेंसेज पासिंग थ्रू दिस मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने के लिए, ठीक है, अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत होती है। इनर टू मेम्ब्रेन्स, ठीक है, इनर टू मेम्ब्रेन्स मैट्रिक्स इज प्रेजेंट विच इज डिवाइडेड इंटू टू पोर्शंस, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ठीक है, तो मेम्ब्रेन्स के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्ट्रोमा में और ग्रेना में। ठीक है, तो आइए इन पार्ट्स के बारे में, जैसे हमने आपको बताया ग्रेनम एंड स्ट्रोमा, इनके बारे में अब पढ़ा जाए। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आपने देखा कि ईच क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय टू यूनिट मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय स्पेस कॉल्ड पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन कंटेन इंटीग्रल प्रोटीन कॉल्ड पोरिन्स विच मेक द मेम्ब्रेन परमिएबल टू सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एज हाई एज 10,000 डाल्टन्स। ठीक है, तो 10,000 डाल्टन्स तक के लिए यह परमिएबल होता है आउटर मेम्ब्रेन।
द इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली इम्परमिएबल, जो इनर मेम्ब्रेन है वह तुलनात्मक रूप से इम्परमिएबल है। एंड एड आप डिफरेंट ट्रांसपोर्टर, और इसमें जो है डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है, इज टेकन बाय सब्सटेंस पासिंग थ्रू दिस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन से पास होने के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है। इनर टू मेम्ब्रेन्स मैट्रिक्स इज प्रेजेंट, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, विच इज डिवाइड इंटू टू पोर्सन, जिसे दो पोर्सन में डिवाइड करते हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा में। तो आइए देखते हैं ग्रेना एंड स्ट्रोमा के बारे में। ग्रेना लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन द फ्रैक्शन, ग्रेना फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेनस आर लैमिनर सिस्टम। ठीक है, तो जो लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का वह ग्रेना में होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन दिस फ्रैक्शन, ग्रेना फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेनस आर लैमिनर सिस्टम, दिस लैमिनर सिस्टम इज मेड अप ऑफ थैलेकोइड। ठीक है, तो जो ग्रेना सिस्टम है वह किससे बना होता है, थैलेकोइड से बना होता है। ठीक है, जैसा कि फिगर में हमने देखा, यह आपका ग्रेनम है जो किससे बना है, थैलेकोइड से बना है। ठीक है, जो क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन यहाँ पे होता है। तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन दिस फ्रैक्शन, ठीक है, तो ग्रेना में जो है लाइट रिएक्शन होता है, तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन दिस फ्रैक्शन, ग्रेना फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेनस आर लैमिनर सिस्टम, दिस लैमिनर सिस्टम इज मेड अप ऑफ थैलेकोइड, टर्म गिवन बाई मेंके। ठीक है, तो जो थैलेकोइड टर्म है वह किसके द्वारा दिया गया था, मेंके के द्वारा दिया गया था, विच आर टू टाइप्स। ठीक है, तो थैलेकोइड भी टू टाइप्स के होते हैं, स्मॉलर थैलेकोइड, ठीक है, एंड लार्जर थैलेकोइड। तो आइए थैलेकोइड्स के बारे में देखते हैं। स्मॉलर थैलेकोइड्स, दीज आर प्लेस्ड वन एबव द अदर इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स ऑफ कॉइंस एंड फॉर्म ए ग्रेनम। ठीक है, तो जो स्मॉलर थैलेकोइड्स होते हैं वे एक के ऊपर एक चिपके रहते हैं, जैसे कि सिक्कों की ढेर के रूप में, इसे ग्रेनम कहा जाता है। ठीक है, स्मॉलर थैलेकोइड, दीज आर प्लेस्ड वन एबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, इन फॉर्म ऑफ स्टैक्स ऑफ क्वाइंस, जैसे सिक्के के ढेर होंगे, सिक्के के ढेर की तरह, एंड फॉर्म ए ग्रेनम, और ग्रेनम का फॉर्मेशन करेंगे। द नंबर ऑफ ग्रेना पर क्लोरोप्लास्ट इज 40 to 60। ठीक है, तो पर क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना का जो नंबर्स होता है वह 40 to 60 होता है। एंड द नंबर ऑफ थैलेकोइड पर ग्रेनम इज 10 to 100। ठीक है, थैलेकोइड्स के जो नंबर होते हैं पर ग्रेनम में वह 10 से लेकर 100 तक होते हैं, और एक क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेना की संख्या होती है वह 40 से 60 तक होती है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में आप यह ग्रेनम देख रहे हैं, इसकी संख्या 40 से 60 तक होती है, जबकि एक ग्रेनम में थैलेकोइड की संख्या जो है वह 10 से 100 तक हो सकती है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं स्मॉलर थैलेकोइड के बारे में। ठीक है, दीज आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स ऑफ कॉइंस एंड फॉर्म ए ग्रेनम। द नंबर ऑफ ग्रेना पर क्लोरोप्लास्ट इज 40 to 60, एंड नंबर ऑफ थैलेकोइड पर ग्रेनम इज 10 to 100। ऑन द इनर फेस ऑफ थैलेकोइड मेम्ब्रेन देयर आर प्रेजेंट मिनट ग्रेनुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्वांटासोम्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो इनर फेस होता है थैलेकोइड का, इनर फेस होता है थैलेकोइड मेम्ब्रेन का, उसमें एक छोटे से ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे क्वांटासोम कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि थैलेकोइड मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ जो है एक छोटा मिनट ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे क्वांटासोम कहा जाता है। ऑन द इनर फेस ऑफ थैलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, तो थैलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर फेस पे देयर आर प्रेजेंट मिनट ग्रेनुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्वांटासोम, विच आर मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस यूनिट्स। ठीक है, तो यह जो है क्वांटासोम जो है वह मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन है फोटोसिंथेसिस यूनिट्स का। पार्क एंड बिगेंस डिस्कवर्ड क्वांटासोम। ठीक है, पार्क और बिगेंस ने क्वांटासोम को डिस्कवर किया था। ईच क्वांटासोम इज हैविंग 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो प्रत्येक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो
इनर फेस होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का, वहां पे मिनट ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं, विच आर मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। पार्क एंड बिगिंस डिस्कवर क्वांटासोम्स। पार्क और बिगिंस ने क्वांटासोम को डिस्कवर किया था। ईच क्वांटासोम इज हैविंग 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है, प्रत्येक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। द क्वांटासोम ऑफ बैक्टीरिया इज हैविंग ओनली 50 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो क्वांटासोम होते हैं उसमें केवल 50 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो क्वांटासोम होता है उसमें केवल 50 क्लोरोफिल होता है, जबकि दूसरे जो क्वांटासोम्स होते हैं उसमें 230 क्लोरोफिल होते हैं। अब आते हैं लार्जर थैलेकॉइड के बारे में। लार्जर थैलेकॉइड, दीज आर लॉन्ग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच आर नेम्ड एज इनर ग्रेनुलर लैमली आर स्ट्रोमा लैमली आर फ्रेट चैनल, ठीक है, तो जो लार्जर थैलेकॉइड्स होता है उसे, ठीक है, इंटर ग्रेनुलर लैमली कहा जाता है या स्ट्रोमा लैमली या फ्रेट चैनल्स कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यह आपका लार्ज थैलेकॉइड है, जो बड़ा थैलेकॉइड है इसको स्ट्रोमा लैमली कहा जाता है, ठीक है, स्ट्रोमा लैमली कहा जाता है, या फिर इसको इंटर ग्रेनल लैमली कहा जाता है, या फिर फ्रेट चैनल इसी को कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपके लार्जर थैलेकॉइड्स हो गए। तो लार्जर थैलेकॉइड, दीज आर लॉन्ग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच आर नेम्ड एज इंटर ग्रेनल लैमली आर स्ट्रोमा लैमली आर फ्रेट चैनल्स। अब आते हैं स्ट्रोमा के बारे में, ठीक है, तो आपने देखा कि मैट्रिक्स इज प्रेजेंट विच इज डिवाइडेड इंटू टू पोर्सन, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। तो अभी तक आपने ग्रेना के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं स्ट्रोमा के बारे में। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन दिस फ्रैक्शन, ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है वह स्ट्रोमा में ही होता है। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन दिस फ्रैक्शन, द स्ट्रोमा इज प्रोटियोनेसियस मैट्रिक्स, ठीक है, तो जो स्ट्रोमा है वह प्रोटोनेसियस मैट्रिक्स के रूप में है। इट हैज 20-60 कॉपी ऑफ सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो स्ट्रोमा में 20 से लेकर 60 जो है कॉपी सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रोमा क्या है? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन दिस फ्रैक्शन, स्ट्रोमा में ही डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। द स्ट्रोमा इज प्रोटियोनेसियस मैट्रिक्स, स्ट्रोमा क्या है? प्रोटोनेसियस मैट्रिक्स होता है। इट हैज 20-60 कॉपी ऑफ सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, इसमें 20 से लेकर 60 तक सर्कुलर स्टैंडर्ड डीएनए के कॉपी पाए जाते हैं। इस डीएनए कॉपी इज 40 माइक्रॉन इन लेंथ, ठीक है, प्रत्येक कॉपी जो है डीएनए का वह लंबाई में 40 माइक्रॉन होता है, विच कैन कोड फॉर 125 प्रोटीन, ठीक है, जिसमें कोड कितना होता है, 125 प्रोटीन्स के कोड होते हैं, ठीक है, तो ईच डीएनए कॉपी इज 40 माइक्रॉन इन लेंथ विच कैन कोड फॉर 125 प्रोटीन्स, ठीक है, तो इसमें जो है 125 प्रोटीन्स के कोड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट शोस सेमी ऑटोनॉमस नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स एंड राइबोसोम्स, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस नेचर या सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए प्रेजेंस होता है, डीएनए पॉलीमरेज उगते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं एंड राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर 70S टाइप, राइबोसोम जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट में वे 70S टाइप के होते हैं, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट शो सेमी ऑटोनॉमस नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड राइबोसोम, ठीक है, तो यह था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब आज देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, फास्फोलिपिड, क्लोरोफिल्स, कैरोटेनॉइड्स, आरएनए, डीएनए, एंजाइम, कोएंजाइम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज इन ट्रेसेस, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट इज मेड अप प्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट जो है वह 40-50% प्रोटीन से बना होता है, 23-25% इसमें फास्फोलिपिड्स होते हैं और 3-10% जो है क्लोरोफिल्स होते हैं, 1-2% इसमें कैरोटेनॉइड्स होते हैं, आरएनए जो है वो 5% होता है, इसके अलावा
जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है उसमें डीएनए, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज जो हैं वे ट्रेस अमाउंट में कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, यह था आपका केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब आगे देखते हैं पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं इनके बारे में पढ़ा जाए। देखें ध्यान से, पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट विल स्टेलर एंड स्टोल ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिगमेंट्स। ठीक है, तो विल स्टेलर और स्टोल ने निम्नलिखित पिगमेंट्स को जो है क्लोरोप्लास्ट में ऑब्जर्व किया था। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई एंड कैरेटिनॉइड्स। विल्स स्टेलर एंड स्टोल ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिगमेंट क्लोरोफिल ए C55H72O5N4Mg। ठीक है, क्लोरोफिल बी C55H70O6N4Mg, क्लोरोफिल सी C35H32O5N4Mg, क्लोरोफिल डी C54H70O6N4Mg एंड क्लोरोफिल ई। देन कैरोटीनॉइड्स, कैरोटाइड्स में टू टाइप्स हैं, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल ए बी सी डी ई और इसके अलावा दो कैरोटाइड्स हैं, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स। अब जो है आपको पढ़ना है क्लोरोफिल के बारे में, क्लोरोफिल क्या होता है। ठीक है, देन आफ्टर आप कैरोटीनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखें ध्यान से क्लोरोफिल के बारे में, क्लोरोफिल्स, द टर्म क्लोरोफिल वाज गिवेन बाई केविन टाऊ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब वीडियो बड़ा हो रहा है, क्लोरोफिल्स से जो है अगले वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।